आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही लाजवाब और सुपर टेस्टी स्वादिष्ट मिठाई, जिसे बनाना भी बहुत ही आसान रहेगा। इसमें हमें न ही मावा की ज़रूरत होगी, न ही चाशनी की। ये फटाफट से सिर्फ दो चीज़ों से बनने वाली ये मिठाई बनके तैयार होगी। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंडियन वेज रेसिपी विद चंदा में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस पे एक कढ़ाई रख लेंगे और इसमें एक गिलास दूध डालेंगे। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, ठंडा गरम। अब इसमें एक उबाल आने तक हम इसे पका लेंगे। तो देखिए दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब इसमें हम आधा कप चीनी डालेंगे और इसे भी चलाते हुए हम और पका लेंगे ताकि चीनी भी अच्छे से घुल जाए। तो देखिए चीनी भी पूरी तरह से घुल गया है। अब हम इसमें एक कप कोकोनट पाउडर डालेंगे। अब इसे डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते हुए इसमें मिक्स कर लेंगे दूध में। तो देखिए ये फटाफट से एक डो की तरह बनके तैयार हो गया है। ये मिठाई बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो गैस को एकदम लो कर देंगे। अब इसमें हम एक चम्मच घी डालेंगे। और घी को भी अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे चला लेंगे। तो ये बस 1 से 1.5 मिनट के बाद ये डो के तरह बन गया है। तो अब गैस को बंद कर देंगे और इसको निकाल देंगे एक प्लेट में। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसका हम मिठाई बनाएंगे। तब तक से हम एक दूसरा काम कर लेते हैं। तो एक छोटा सा मिक्सर का जार लेंगे, इसमें 2 चम्मच करीब बादाम डालेंगे और साथ में कुछ काजू डालेंगे और 3 से 4 इलायची का दाना हम इसमें डाल देंगे। इसी के साथ ये पिस जाएगा। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और साथ में 2 चम्मच चीनी डाल लेंगे और 2 चम्मच कोकोनट पाउडर डालेंगे इसमें। अब इसमें एक अच्छा से कलर आने के लिए यहाँ पे मैं एक चुटकी रेड फूड कलर डालेंगे। अब इसमें साथ में 2 चम्मच दूध डालते हुए हम इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट हमने बना के तैयार कर लिया है। तो अभी जो हम ये कोकोनट पाउडर वाला डो बनाए थे ये भी हल्का ठंडा हो गया है। तो अब इसे हम चिकना कर लेंगे। अगर यहाँ ये बहुत ही स्मूथ और दम मुलायम बना है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा ड्राई है तो आप इसमें 1-2 चम्मच घी डाल के इसे मसल के चिकना कर सकते हैं। तो अब जो ये ड्राई फ्रूट्स वाला डो है, अब इसमें से छोटा सा हम एक बॉल्स बना लेंगे। बहुत ही छोटा छोटा बनाना है ताकि हम उसके अंदर इसको डब करेंगे। इसी तरह से हम इसका सभी बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। तब ये कोकोनट पाउडर वाला हम इसमें से डो लेंगे, वो थोड़ा बड़ा लेंगे। इसका गोल गोल शेप देते हुए हम बीच में थोड़ा सा गहरा कर लेंगे और इसके अंदर ये अब इसके अंदर इसे भर लेंगे। और इसे गोल गोल शेप देते हुए हम इसका पेड़ा बना के तैयार कर लेंगे। तो आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ही ये टेस्टी मिठाई बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम सभी पेड़ा बना के तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ पे रेड कलर के जगह आप इसमें ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर या येलो कलर, आपके पास जो भी कलर है आप उससे ये मिठाई बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर भी करें। तो देखिए इसी तरीके से हम पेड़ा बना लिए हैं, इसे एकदम चिकना कर लिए हैं।
तो इसे हम और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए अब कोकोनट पाउडर ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम इसे कोट कर लेंगे। तो ये लीजिए, देखिए कितना सुपर टेस्टी ये मिठाई देखने से ही लग रहा है ना, एकदम हलवाई के जैसे। इसी तरीके से हम सभी पेड़ों को कोकोनट पाउडर में कोट कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा टेस्टी मिठाई बनके तैयार हो गया है। तो अब इसमें हम बादाम से इसे गार्निश कर लेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप उसे भी इसे सजा सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। तो आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं, इसमें हमने ऐसा कोई चीज़ नहीं डाला है जिसे आप इसे व्रत में नहीं खा सके। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये कितना सुंदर दिख रहा है ना, इसके अंदर का रेड वाला लेयर भी कितना टेस्टी दिख रहा है। तो इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाले हैं तो इसलिए इसका टेस्ट तो इतना लाजवाब है ना कि आप इसे खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। आप इसे ज़रूर बनाइए, सभी लोग आपका बहुत तारीफ़ करेंगे। और इसे झटपट बना के तैयार कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा कोई हमने सामान भी नहीं डाला है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आप तक मिलती रहे। तो अब बाय बाय।